सही गाइस, और हम पहुंच चुके हैं चोपटा। ठीक है, रात को एक्चुअली पहुंच गए थे चोपटा, बट काफी रात हो गई थी। ये देखिए गाइस, ठीक है, हमारे रूम के बाहर ही बिल्कुल यहाँ पे बर्फ है, ये खूब बर्फ है अच्छी खासी। तो हम एक्चुअली में चोपटा में इस समय नहीं है, चोपटा से 2 किलोमीटर आगे है, बट रास्ता वही पड़ता है। ठीक है, एंड मतलब चोपटा के जो जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है उससे 2 किलोमीटर आगे आ रखे हैं, क्योंकि रूम हमें वहाँ पर मिला नहीं। ठीक है, और यहाँ से हमें 2 किलोमीटर इस तरफ जाना है, वहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हो। मैंने अपने शूज़ पहने हुए, पूरा रेडी हो चुका मैं आज के ट्रैक के लिए। ठंड ठीक है अभी, तो मास्क मैं नहीं लगा के आया, लगा लेना चाहिए था, थोड़ी गर्म हवा रहने। ठीक है, ये देखिए, ये मतलब कमाल का लग रहा है ना, यहाँ पे आपके होम स्टे टाइप के हैं, एंड हमें रूम 1500 का बोला था 2 जनों के लिए, तो हमने बात करके 1000 करवा लिया। ठीक है, तो रूम हमें सही रेट पे मिल गया, और आप ये देख सकते हो ये सीढ़ियों पे बर्फ है। रात को यहाँ पे आते हुए पूछा जी गिर गई, ठीक है, जैसे ही वो गिरी ना, तो उसी टाइम पे एक भैया बोले कि मतलब मेरे को बोलते हैं कि भैया संभल के आना, तो मैंने कहा भैया आप संभल के ही आऊँगा, देख लिया ना गिरते हुए। एंड वहीं पे पूजा भी सेम चीज़ बोली कि हाँ वो तब संभल के ही आएगा, इसने गिरते हुए देख लिया। तो अच्छी जगह है, आप देखें ये भी अच्छी जगह, हमारे रुकने के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह। ये यहाँ पे लिखा है हिमालयन बर्ड रिजॉर्ट, हम जिसमें रुके थे आई थिंक वो बर्ड रिजॉर्ट ही था, नीचे रूम था उसका, और जिन से बात करके हम यहाँ पे आए थे ग्रीन व्यू करके था उसका, वो ऊपर है। भैया एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था रूम हमने जैसे रात को लिया था तो वो रात तक के लिए रहेगा, आज क्या कैसा है? 12 बजे क्या कह रहे हैं? जैसे हम ट्रैक वैक करने जाते हैं तो सामान रखने का तरीका कुछ जैसे कि बता रहा था कि वैसे हम बात करते हैं कि सामान रख सकते हैं कि नहीं, तो सामान के लिए बात कर ली हमने, वो कह रहे हैं रख सकते हो आप सामान, एंड सामान बेसिकली उस कमरे में नहीं रख सकते क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10 बजे चेकआउट करना है। तो 10 बजे चेकआउट का मतलब है कि हमें अभी सामान दे के बैग अपने ऊपर वाले रूम में रखवाने होंगे और लॉक कर देंगे वो, तो वहाँ सेफ रहेंगे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, एंड अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हम दोनों बैग रखते हैं तो क्या सामान लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे, वो हमें देखना है। वहाँ पे बहुत अच्छी सी धूप निकली है, पीछे ग्रीनरी हो रखी है, ठीक है, सो बहुत अच्छा लग रहा है, सनराइज़ हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगी तो आई थिंक रास्ते में हमारे ऊपर भी सन मतलब क्या कहते क्या बोलते हैं यार सनरेज गिरेंगी, ठीक है, और अच्छा लगेगा, और ऊपर ट्रैक करते टाइम भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और जो निकल के आई है वो ये है कि चंचला ट्रैक करते करते उन्होंने बोला 6 बज जाएंगे ना, सो रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, वो मैंने अभी नहीं बताया अभी पूजा को, बाकी मैंने बता दिया, और वो अभी चेंज कर रहे हैं, आई थिंक 1-2 मिनट में वो लग जाएगी, मैं एक बार बोल देता हूँ कि भैया 6 बजे तक आना है वापस। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, और बाकी का देखते हैं कैसे। ऊपर की पहाड़ियों में बड़ी प्यारी सी है वो, देखो पहले तो ये ग्रीनरी है और फिर धूप पड़ रही, और फिर ये पहाड़ी है और ये ऊपर, वो देखो वहाँ पे भी धूप पड़ रही है, ठीक है, और ये रूम्स हैं जैसे हम रुके थे, वो देखो रूम के ऊपर उधर भी बर्फ़ गिरी हुई है, एंड हम रुके थे इस रूम में 104 में, जो कि बाहर से उतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन अंदर अच्छा है एंड मच बेटर है। ठीक है, सो अब हम रेडी है चलने के लिए, लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए ट्रैक के लिए, और हमारी पूजा जी भी रेडी है। अंकल जी का ये प्लान है पर वो कह रहे हैं कि थोड़ा हम घूम के आएंगे, तुम ना मतलब थोड़ा बहुत ट्राई कर पाएंगे,
एक्चुअली मैं ये मेन बर्फ देखने आया था, इनको पता नहीं था तुमने चेक कर रहे, तुमने आइडिया दिया। और उधर देखो गाड़ी का कुछ हो गया, वो पीछे जा रही है तो बहुत कुछ आपको देखते हुए। तो अभी हम रेडी हैं, बस हमें अपना सामान ऊपर रखना है, फिर हम जा रहे हैं ट्रैक के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। yes. और पूजा जी नींद कैसे है आपका रात को? और नींद बहुत अच्छी आई है। अच्छा हाँ, पर ठंड बहुत लग रही है, एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है बस। और कमरा कैसा था? कमरा वाज गुड, इट वाज गुड। और ये कैसा है आजकल? आसपास के नजारे तो एकदम कश्मीरी वाली फील दे रही है मुझे तो। okay. बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके हिसाब से? चलो वो बाद में पूछूंगा मैं जब हम एचओ चौपटा पे पहुंचे। हाँ नहीं, सबको आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए इसी जगह भी, अच्छी जगह। ओके सर। ओके जी, आप मिलोगे शाम को शायद? तो देख रही है। हाँ, हम आपको ऋषिकेश मिलेंगे। अच्छा ऋषिकेश, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस हम निकल पड़े हैं अभी, तो अभी पर सामान लेके हम जाएंगे। ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ पे संभाल के चढ़ना थी पूजा जी। लॉल मैं खुद ही टकरा गई, तो अभी मेरा सर टकरा गया दीवार से, पर हेलमेट लगा था, हेलमेट ने बचा रही। भैया के पास आ गए। हेलो भैया, सामान ले आए हम, बस थोड़ी सी मदद करनी होगी आपको, कोई थैला या कुछ ऐसा दे दूंगा, थैला और पन्नी। क्या करना? थोड़ा सामान हमें लेके जाना होगा ना अपने साथ, उसके लिए कोई थैला और पन्नी दे दो। तो गाइस कैंटीन है यहाँ की, एंड ये देखो यहाँ का भी है ना कमाल का। एक्चुअली मेरा मन कर रहा है उधर चढ़ के देखो, पर इससे अच्छे अच्छे नज़ारे अभी ट्रैक पे देखने को मिलेंगे हमें, तो लेट नहीं करेंगे, ट्रैक पर एंजॉय करना है हमें। सो गाइस हम रेडी हैं, ठीक है, हमने बैग अपने रखवा दिए हैं, और बैग रख के हमने ये पूरा थैला भर लिया है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता है सही डिसीजन कि नहीं, हम बल्कि ऐसा कर सकते थे कि सामान सारा रख के एक बैग में इतना सामान डाल लेते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। हाँ। है ना, तो बाकी सामान फिर ऐसे खुले रखते थे। चलो ये कर लेते हैं, ये अच्छा आइडिया आ गया। मैं वही तो बोली थी, एक बैग ले लेते हैं हम, इतना ही बैग ले लो। गाइस हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है तुंगनाथ का, एक्चुअली मैं नहीं, अभी हम चढ़ रहे हैं। और देखो वो भी कर रहे हैं ट्रैक, एक्चुअली मैं अभी हम अपने रूम से ही निकल रहे, बहुत लेट कर लिया हमने, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके, एंड फाइनली ये हमारा सेटअप रेडी इस बैग के साथ में। तो देखो अभी बहुत कुछ झेलना है, तनशिला ट्रैक तक जा आना ही है ऐसे, तो इसलिए इसको हमने ले ही लिए। अभी बाइक तक जाना है, बाइक तक पहुँच के हमें जाना है सामान लेने के लिए ट्रैक तक, और हमारा ट्रैक फिर 8 बजे की जगह 9 बजे स्टार्ट हुआ। बाइक हमारी सही सलामत खड़ी है, ये अच्छी चीज़ है। ये थी हमारी बाइक, तो हम चलेंगे और जाके सामान लेंगे जो हमें ले। यहाँ खड़े हुए हूँ, ये है होटल छोटा ग्रीन रेस्टोरेंट, जो कि ये है पर रेस्टोरेंट है, नीचे रिस्किंग का हुआ है होटल, और हम उससे नीचे रुके थे, नाम भी भूल गया मैं, रुके थे हिमालयन, हिमालयन करके उसका नाम। और ये रास्ता किधर जाता है मैं नहीं पता, बट हमें इस साइड जाना है। अभी हम आ चुके हैं
चोपटा के ट्रैक करने के लिए, चोपटा तुंगनाथ के ट्रैक के लिए, और आसपास के नज़ारे आप देख सकते हो। थोड़ा और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ एंड अलग बता देता हूँ। ट्रैक करने का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है।